हेलो हाय नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ रॉयल एस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ द हिंदू का आज का जो न्यूज आर्टिकल है, जिससे रिलेटेड अपने पीसीएस या यूपीएससी के पेपर्स में, चाहे वो मेंस की बात हो, प्री की बात हो, या इंटरव्यू में पर्टिकुलरली जब करेंट अफेयर के अवेयरनेस की बात आती है, तो इनसे रिलेटेड आज अपने पास क्या आने वाला है इस न्यूज पेपर से, वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आज का, सबसे पहला टॉपिक है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रोहिणी में शूट आउट हुआ था उसका सीओ मोटो लिया है। तो अपना जो कंसिडरेशन है यहाँ पे, अपना जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वो हाई कोर्ट को पावर कौन देता है आखिर सीओ मोटो लेने का? कॉन्स्टिट्यूशन देता है ऑब्वियसली। आर्टिकल कौन कौन सा है हाई कोर्ट के लिए? हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है आपके पास आर्टिकल 214, यानी 214 से 231 तक, 231 तक, आर्टिकल नंबर 214 से लेकर के 231 तक हाई कोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डील करता है। लाइक जज का अपॉइंटमेंट हो, जो ऑब्वियसली नजाक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, अपना जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है वो करता है। हम फिलहाल हाई कोर्ट पर फोकस करने वाले हैं। ये चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, जो कि यूनियन टेरेटरी का एकमात्र हाई कोर्ट है, आपको पता होगा, बाकी किसी भी यूनियन टेरेटरी का अपना हाई कोर्ट नहीं है, या तो वो किसी के साथ, लाइक आप महाराष्ट्र के ले लें, महाराष्ट्र के पास एक दो यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट है। इसका आर्टिकल 226 यानी 226 हाई कोर्ट को पांच तरह का पावर देता है। उसी एक पावर में आता है सीओ मोटो, जो कि आज का अपना यहाँ पे टॉपिक है। सीओ मोटो में उसने ये कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ऑन थर्सडे सेड डिप्लॉयमेंट ऑफ सफिशियंट पुलिस पर्सनल वाज रिक्वायर्ड इन कोर्ट्स। ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का कि जो शूट आउट हुआ है, अगर पुलिस पर्सनल सफिशियंट होते तो शायद क्रिमिनल्स की इतनी हिम्मत नहीं होती। अपना जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है कंपटीशन के व्यू से, वो दो चीजें हैं। एक तो ये कि हाई कोर्ट को पावर किसने दिया? हाई कोर्ट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पावर को डिफाइन करता है। ये ना केवल सीओ मोटो का पावर देता है, हैबियस कॉर्पस का भी पावर देता है, जिसमें हाई कोर्ट किसी भी ऑथोरिटी को ये कह सकती है कि बॉडी कहाँ है, बॉडी को प्रेजेंट करो। मैंडमस है, प्रोविजन है, टोटल पांच है, आप सब जानते हैं इतना। सेकेंड है अपना अमरिंदर सेज, ही लिविंग कांग्रेस। यहाँ लिविंग से याद आता है कि एंटी डिफेक्शन वाली बात, हमें पॉलिटिकल नहीं होना है न्यूज देख करके। सबसे बड़ी बात, जब भी आप कभी किसी भी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यू शुड नॉट फ्लो अलोंग द पार्टी लाइन। ना तो हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे उस पॉइंट को जो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो इकोनॉमी के फेवर में है, जो लॉजिकल हो, जो नेचुरल हो। हमें इससे मतलब नहीं है कि अमरिंदर कहाँ जा रहे हैं, हमें इससे मतलब है कि वो किस बिहाफ पे, बीइंग अ पास्ट सीएम, वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो अब कह रहे हैं, उनको जब हटाया गया तो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। क्या ऐसा कोई रूल है कि कोई पार्टी नहीं छोड़ सकता? जी हाँ, आप उसे क्या कहते हैं? आप कहते हैं उसे एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ, याद करें, 52nd अमेंडमेंट से लाया गया था, है ना। इस एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या कहा गया था? इस एंटी डिफेक्शन लॉ में कहा गया था कि एक सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, अगर वो लोग सपोर्ट करते हैं तो आप पार्टी से अलग पार्टी बना सकते हैं। और शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल 10 है। हमें क्या याद रखना है इस टॉपिक से? हमें याद आना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल, एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 10। और आर्टिकल इसके लिए कोई एज सच नहीं है, 10th शेड्यूल में ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें ये कहा गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए एक सर्टेन रूल है, और ये लोकसभा का जो स्पीकर है ना, वो डिसाइड करता है इनके डिसक्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन के लिए। अमेंडमेंट कौन सा रिलेटेड है इससे? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक लैंडमार्क अमेंडमेंट है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया है नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अपना कि मेक फार्मर्स पार्टी इन केस टू एजी जैम एससी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन्होंने दिल्ली गुड़गांव हाईवे को जाम कर दिया था, काफी एजिटेट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेंस है कि फार्मर, जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको आप जो मीटिंग कर रहे हैं, काउंसिल बना रहे हैं, उसमें फार्मर को एक पार्टी बनाइए। गवर्नमेंट ने हालांकि पहले भी ऐसा किया हुआ है, बट सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लैंड है, लॉ ऑफ लैंड, सारा कुछ उसी का है, सुप्रीम कोर्ट का है। हम फोकस करेंगे फार्मर पर और एग्रीकल्चर पर।
एग्रीकल्चर जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है, आप इस चीज को समझिए कि इतना एजिटेशन क्यों हो रहा है, बाकी में क्यों नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बिल आए, और बिल ऐसे आए हैं जो ऑर्डिनेंस से आए हैं, है ना। जनरली बिल ऑर्डिनेंस से वो आते हैं जो काफी इमरजेंसी में लाया गया हो। ये भी एक ऑर्डिनेंस आया हुआ बिल था, तीन बिल था एग्रीकल्चर का, हम सबको याद है। अपना फोकस ये है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कौन सा है। एग्रीकल्चर एंट्री नंबर 33, एंट्री नंबर कौन सा 33, स्टेट लिस्ट में आता है ये। और स्टेट लिस्ट आप याद करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं, ये सेवेंथ शेड्यूल में रखा गया है। ये शेड्यूल का कंसेप्ट कहां से आता है? शेड्यूल का कंसेप्ट आता है जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और मॉर्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पढ़ते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो लास्ट में आया था, उसने एक प्रोविजन का, एक जो स्टेट था उसका अलग और सेंटर का अलग, है ना, सब्जेक्ट अलग किया था। हालांकि वो रियलाइज नहीं हो पाया था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी ये चीजें की गई थी, और कहीं ना कहीं वहां से ये स्टेट लिस्ट आज भी इंडिया में जितने सब्जेक्ट हैं उसको तीन पार्ट में बांटता है। सबसे पहले आता है कंकरेंटली, सबसे पहले अगर हम ऑर्डर की बात करें जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले आता है यूनियन लिस्ट, जिसे आप सेंटर का लिस्ट कर सकते हैं, जिस पर केवल और केवल यूनियन का अधिकार होता है। और उसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 100। ऑब्वियसली फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन रूल्स, किसी कंट्री के साथ लैंड एग्रीमेंट करना है कि नहीं करना है। जैसे 100th लैंड एग्रीमेंट हुआ था, याद होगा आपको, बांग्लादेश के साथ, है ना, जिसमें हमने कुछ लैंड्स बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश ने कुछ हमें दिए, ये 100 था, आप इसे याद रखें। तो इस वाले में ये कौन ऐसा डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी केवल सेंटर, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। तो डिफेंस हो गया। ऐसे ऐसे 100 सब्जेक्ट हैं जो किसमें आते हैं, ये 100 आते हैं कंकरेंट, ये आपके सेंटर या यूनियन लिस्ट में, ठीक है। आगे हम बात करें कंकरेंट की, कंकरेंट में टोटल 52 है। कंकरेंट में लाइक फॉरेस्ट्री हो गया, एनवायरमेंट हो गया, वो कॉमन सब्जेक्ट है जिसपे दोनों बना सकते हैं। फिर हम बात करें स्टेट लिस्ट की, स्टेट लिस्ट में पहले 66 था, बट अब 61 है। कई जगह आपको कंफ्यूजन मिल सकता है, 66 कई जगह आपको मिलेगा, आप उसे सुधार लें। केवल और केवल 61 सब्जेक्ट रह गए हैं, 61 सब्जेक्ट किसमें? स्टेट लिस्ट में। और फार्मिंग यानी ये जो एग्रीकल्चर है वो कौन से एंट्री में है? एंट्री नंबर 23 में है। यानी एक से लेकर के 61 में एग्रीकल्चर का नंबर 33 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहना है FCRA के लिए। FCRA याद करें, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिससे कि NGO पर पाबंदी लगाई गई, है ना, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा था कि किसका कितना आमदनी हो रहा है। ग्रीन पीस फाउंडेशन, गवर्नमेंट ने बैन किया उसे, तो ये सारा कुछ इसी एक्ट के अंदर आता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट रजिस्ट्रेशन, ये स्टेट को फॉलो करना होता है। तो ये न्यूज में इसलिए आया है कि डेडलाइन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से, डेडलाइन दिया गया है एनजीओ को कि जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करो, अदरवाइज यू विल बी इनवैलिडेटेड। आगे बढ़ते हैं, आगे है LAC, बिल्कुल हॉट केक है जी मार्केट का। तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना। वैसे तो कहा जाता है कि वो जो चाइनीज प्रीमियर था नेहरू जी के टाइम पे 52 में, तो 52 और 61 के बीच में ये फाइनल हुआ था LAC के बारे में। बट आज भी चाइना को ये लगता है, आज का न्यूज इसलिए आया है कि चाइना का कहना है कि इंडिया एक पॉलिसी अपना रही है, ये तो हमें पता भी नहीं था, मतलब इंडिया को नहीं पता है, हमें का मतलब यहाँ इंडिया से है, बी द पीपल नॉट मी। सो फॉरवर्ड पॉलिसी का नाम दिया है उसने, चाइना ने कहा है कि इंडिया एक पॉलिसी अपना रही है। इंडिया ने कहा कौन सी पॉलिसी है भाई? चाइना का कहना है फॉरवर्ड पॉलिसी। ये फॉरवर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, चाइनीज फॉरवर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वी इंडियन आर क्रॉसिंग LAC। जबकि फैक्ट ये है कि चाइना का BRI मॉडल, जिसे हम बहुत अच्छे से, जो कि एक डेप ट्रैप मॉडल है ना, कर्जदार बनाना है पूरे वर्ल्ड के, जो भी कंट्री ट्रैप हो सकते हैं। श्रीलंका को उसने अभी उसका जो अम्बनदोटा पोर्ट है, याद करें आप, लीज पे लिया उसने 99 ईयर के लिए। काफी हंगामा भी हुआ है, बट यही है कि उसने फेवर में अपना एयर बनाया हुआ है। खैर हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है LAC, और LAC से याद आता है गालवान। गालवान काफी हॉट टॉपिक रहा है, और गालवान से आप याद करिए कि गालवान पड़ेगा कहाँ, तो गालवान पड़ेगा ईस्टर्न लद्दाख में। अगर मैं मैप बनाऊं J&K का रफली, अगर ऐसा कुछ मैप हो, तो ये आपका है, यहाँ पे पड़ता है गालवान, और इधर अक्साई चिन उसके जस्ट नीचे है ना, ईस्टर्न लद्दाख में, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ लद्दाख।
ये है गलवान वैली, एक्चुअली ये एक रिवर है, काफी हाइट पे है ना। तो बाकी आप वहाँ पे गूगल पे या मैप में आप देख सकते हैं गलवान वैली को, एक बार जब आप मैप में देख लेंगे। ये मैंने जे एंड के का रफली मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, जे एंड के मैप में आप उसको, अब तो जे एंड के की बात ही ना करें, आप तो लद्दाख की करें, वो खुद अपने आप में यूटी है ना, तो जे एंड के की तो बात ही नहीं करनी है। तो लद्दाख का मैप अगर हमें याद है तो हम उसमें दिखा सकते हैं इसे, और तब लंबे टाइम तक याद रहेगा ये समथिंग जे एंड के एंड लद्दाख है। ये अपना लद्दाख वाला पोर्शन है, यहां पर है गलवान वैली ये, ठीक है, अक्साई के पीछे नीचे कह लें आप। तो गलवान को लेकर के, गलवान है क्या, कहां पर है, ईस्टर्न लद्दाख में है। देखिए यहां भी मेंशन किया हुआ है, और यहीं से चीजें निकल करके आती है, ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न साउदर्न कुछ भी डाल देगा, जस्कर भी डाल देगा अगर याद नहीं है तो आपको ये याद रखना है कि गलवान पड़ता कहाँ है, या एलएसी ये भी कहां से निकलता है, ईस्टर्न लद्दाख से होते हुए निकलता है, ठीक है। बाकी चाइना के साथ इशू तो अभी खत्म होने वाला है नहीं, तो पढ़ते रहेंगे जब कभी आगे और मिलेगा। अब आ गए हम नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज एक्चुअली जो ये लोकल न्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी जरूरत की नहीं होती है, जो जरूरत की चीजें हैं मैं ले लेता हूं फिर से इसमें से, जो जरूरत की चीजें नहीं होगी हम उससे आगे बढ़ेंगे। यहां पे कह रहा है कि एचसी हाई कोर्ट अनहैप्पी विद गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन प्रोहिबिशन ऑफ हर्बल हुक्का। हुक्का एक स्टेट है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने हुक्का पे रोक लगा दिया है। नाम है इसका झारखंड, सुन के अजीब लगेगा आपको, और वहां का एक शहर है, झारखंड का एक शहर है बोकारो, दूसरा है रांची। यहां पे सिगरेट पीने पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है टोटली, ना तो बेचा जाएगा बिना लाइसेंस के, और पीने के लिए लाइसेंस भी है तो आप नहीं पी सकते, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। ये पहला स्टेट है झारखंड। तो क्या हुआ कि अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पीआईएल डाल देते हैं, है ना, अब एक कंसेप्ट आ गया हर्बल हुक्का का, कि भाई है तो हुक्का, सारा कुछ हुक्का जैसा लगेगा लेकिन ये हर्बल है, मतलब ये इट विल नॉट कॉज कैंसर लाइक दैट। तो हाईकोर्ट ने, गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई दिया है उस पे, उससे दिल्ली हाई कोर्ट खुश नहीं है। उसका कहना है कि कुछ और लॉजिक दो। आप इस हर्बल हुक्का के बारे में डिटेल में देख सकते हैं क्या क्या चीजें इसमें हैं, आप गूगल इस पे फर्दर कर सकते हैं। फिलहाल इससे जो मुझे याद आता है, जो पीसीएस में पूछा जा सकता है कि कौन पहला स्टेट है, तो वो स्टेट है झारखंड। जेएनयू के बारे में कहा जा रहा है कि जेएनयू शुड स्प्रेड हेड नेप इम्प्लीमेंटेशन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को एडवाइस दिया गया है कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई है गवर्नमेंट ने 2020, इसको वो स्प्रेड करे ना, आगे बढ़ाए ना, कि इसको रोके, इसके बारे में गलत बातें ना करे। नेप से क्या याद आएगा आपको, नेप से आपको याद आएगा 5+3+3+4, ये सिस्टम है अब अपने कंट्री में। और नेप एजुकेशन स्टेट जिसे चाहिए वो अप्लाई कर सकती है, जिसे नहीं चाहिए, खास करके जो कांग्रेस रूल्ड है, मैं फिर से कहूंगा हम पॉलिटिसाइज नहीं होंगे, हाँ याद रखने के लिए चीजों को याद कर सकते हैं हम, कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही है अभी। जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है लाइक कर्नाटका, पहला स्टेट है, द फर्स्ट स्टेट हु एडॉप्टेड एनईपी कंप्लीटली इज कर्नाटका, ये क्वेश्चन बन सकता है। पैटर्न क्या है नेप का, 5+3+3+4, पहले क्या हुआ करता था 10+2, अब ये नहीं है, अब है 5+3+3+4। आप बस किड्स को ले आए जमीन पर, बाकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है ना, आंगनबाड़ी से लेकर के और कॉलेज तक ले जाने की। इसमें वोकेशनल एजुकेशन भी है, बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें हैं नेप में, इनफैक्ट आप इसे जरूर पढ़ें, मेंस का तो हॉट टॉपिक है ये। आगे चलते हैं हम, आगे कह रहा है, आगे का अपना न्यूज है जी, ये लोकल वाले में बहुत कम ऐसे होते हैं जो हमारे काम की चीज हो। ओबीसी कोटा, द हॉट केक ओबीसी, अभी याद करो ओबीसी पे हाल ही में एक कमेटी भी बनाई गई है, नई कमेटी बनाई गई है। पहले क्या था, केवल एक आया था एससी और एसटी कंबाइंड था, एससी एंड एसटी का कंबाइंड कमीशन था, है ना, इसे अलग किया गया 2003 में, फिर अलग अलग बनाया गया, एससी का कमीशन अलग, एसटी का कमीशन अलग, हाल ही में ओबीसी का कमीशन बनाया गया है। ओबीसी का कमीशन 102 अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक कमीशन बनाया गया है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए।
लेकिन वो टॉपिक पे नहीं है अभी। न्यूज का कारण ये नहीं है कि कमीशन बनाया गया है, न्यूज का कारण है जो बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। लॉ ये कहता है, रूल ऑफ लॉ ये कहता है, या जो हम आर्टिकल 22 में कहते हैं लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय प्रोसीजर, है ना, जो लिखा गया है उसी के तहत होगा। तो वो ये कहता है कि कोई भी स्टेट, कोई भी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन कमिटी या जो भी है इंस्टीट्यूट है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, उसमें 50% से ज्यादा टोटल रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और बीपी मंडल का केस याद कीजिए, बीपी मंडल का केस याद कीजिए 93 का, उनका रिकमेंडेशन आया था 27% ओबीसी को देना है, तो बाकी के जो रह गए 23% उसमें एससी एसटी और अब जो और चीजें आ रही है वो जाएंगी। हालांकि 10% सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस का लाया है अभी, है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का, ठीक है। तो ये 10% को हटा करके रूल ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते टोटल। इसका एक लूप होल है आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस लूप होल का नाम है द शेड्यूल 9th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा करके डाल दीजिए शेड्यूल 9th में, सुप्रीम कोर्ट की चश्मा नहीं पहुंच पाएगा वहां तक, वो नहीं देख पाएगा वहां तक। 9th शेड्यूल इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने रिजर्वेशन करना था 50% कास्ट बेस्ड, आज भी वहां पे दलित कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है ना, सेक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिशियंस को वहां पे रूल करने के लिए जरूरी था कि उनके पास कुछ ऐसा हो। तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने 9th शेड्यूल में रिजर्वेशन को उठा के डाल दिया, लो भाई सुप्रीम कोर्ट जो करना है कर लो। फिलहाल ये न्यूज में क्यों है, आप इससे तीन चीजें याद रखें। एक तो 9th शेड्यूल, अगर किसी सब्जेक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, इट इज बियॉन्ड जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। रूल इज 50% रिजर्वेशन। ओबीसी कमीशन 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बीपी मंडल केस, बहुत बड़ा केस था ये जिसमें ओबीसी को 27% दिया गया। फिलहाल ये न्यूज में इसलिए है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन जो हुए हैं लोकल सिविक बॉडीज में, उसमें रिजर्वेशन की बात की जा रही थी, तो उसमें कहा गया कि नो ओबीसी कोटा फॉर महाराष्ट्र बाय पोल्स, कोई कोटा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पे वर्डिक्ट भी आया था और बहुत बड़ा वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 50% को क्रॉस नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात जो आपको इसे अब इसमें याद करना चाहिए वो ये कि केवल और केवल प्रेसिडेंट का ये पावर है किसी भी स्टेट में। सपोज कीजिए कि मैं मराठी हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं और मुझे ओबीसी का चाहिए, मैं यहां का सीएम हूं, क्या मैं एक पर्टिकुलर कास्ट को उठा करके महाराष्ट्र के ओबीसी लिस्ट में डाल सकता हूं? नहीं, आई हैव नो पावर एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रिसेंटली, 2021 का रूल है। पार्लियामेंट क्या करेगी, अब पार्लियामेंट ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएगी और वो ला चुकी है। इस अमेंडमेंट का नाम है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में ये प्रोविजन दिया गया है कि प्रेसिडेंट ही नहीं स्टेट का सीएम और गवर्नर भी इम्पावर्ड होगा किसी भी कास्ट को जो वो किसी ऑब्जर्वेशन या रिपोर्ट के आधार पे फिल करता है कि इसे ओबीसी में होना चाहिए, ओबीसी में इंक्लूड करने के लिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप जितना डिटेल में पढ़ दीजिए कम होगा। आगे चलते हैं, आगे कहा जा रहा है कि सेंटर शुड नॉट सो वायस इन गिविंग एड, या एड की बात आ रही है स्टेट वाले की। आप याद कीजिए बहुत सारे स्टेट कहते हैं कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो, जो कि केवल पहाड़ी स्टेट माउंटेन स्टेट हैं और एक दो और लद्दाख और यूपी वगैरह जो हैं J&K इनको दिया हुआ है ना। महाराष्ट्र उसमें नहीं आता, महाराष्ट्र को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ऑब्वियसली बात है उत्तराखंड और हिमाचल आज भी हैं क्योंकि वो माउंटेनस एरिया वाले हैं। तो एक इसमें छोटा सा न्यूज है कि सेंटर को ऐसे वायस नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है जो नॉन बीजेपी वाले हैं वो एक्यूज करते रहेंगे। स्पेशल कैटेगरी को वैसे खत्म कर दिया गया है, अगर ऑप्शन में आ जाए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अब भी है फोर्स में तो आप इसको गलत मान के चलेंगे, इसे खत्म कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कुंडाकुलम आया है न्यूज में, कुंडाकुलम इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं अपने यहाँ, 7, और न्यूक्लियर यूनिट कितने हैं 23। 7 पावर प्लांट जो मेजर पावर प्लांट है उसमें 23 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं। कुंडाकुलम जो कि 1000 मेगावाट मल्टीप्लाइड बाय 6, इसके 6 यूनिट हैं टोटल, इतने का है इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुंडाकुलम।
इससे रिलेटेड और एक न्यूज ऑब्वियसली बात है तमिलनाडु में है। हेल्प किसका लिया गया है, इसमें हेल्प लिया गया है रशियन फेडरेशन का, रशिया का कौन हेल्प है इसमें, तो ये कंट्री आ सकता है कि कंट्री कौन सा है, तो कंट्री रशिया है। ठीक है, कुंडाकुलम की बात कर ली हमने, आप ये भी याद रखें ऑपरेट कौन करता है, ऑब्वियस ही बात है एनपीसीआईएल करेगा, और ये आता किसके अंडर है, पीएमओ के अंडर आता है, याद रखें इसका कोई मिनिस्ट्री नहीं है कि साइंस एंड टेक आप मार दें या कोई और होम मिनिस्ट्री मार दें, पीएमओ के अंदर आता है एनपीसीआईएल। अपना पड़ोसी अब मना रहा है 72nd एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये तो अपना पीसीएस पूछेगा नहीं भाई, अपनी कंट्री तो है नहीं चाइना कि कौन सा वो मना रहा है, लेकिन हाँ चाइना के कुछ सो कॉल्ड अचीवमेंट हैं, चाइना के साथ जो इंडिया का इशू है, मैं सलाह दूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा डीप आप इसे पढ़ लें, बहुत ज्यादा हिस्टोरिक नहीं पढ़ देना है, बट क्वेश्चन मुझे याद है आजकल ये भी पूछा जाने लगा है कि 1930 में अंग्रेजों ने एक रूलिंग दी थी है ना, तो उसमें ये था कि जो तिब्बतियन जो एलएसी का इशू है, एलएसी वहीं से कहीं ना कहीं है, चाइना उसको इसलिए नहीं मानता है, चाइना का कहना है कि भाई तब तिब्बत ने किया था और मैं तिब्बत का पार्ट नहीं था, इंडिया कहता है अब तो है वो तुम तिब्बत के पार्ट, तुम्हारे पास तिब्बत है तो मानो तुम इसको, चाइना कहता है नहीं ये जब बना था तब की मैं बात कर रहा हूं तो इसलिए गलत बना है, फिर से लाइन खींचो और वो तो अब होगा नहीं। तो आइए थोड़ा सा इसका अचीवमेंट देख लेते हैं, कभी कभी मैक्स मिच में मैचिंग मिक्स में आ जाएगा, लाइक इसका अचीवमेंट क्या है कि ये इसका एक चांग 5 मिशन है, ये चांग 5 मिशन किसके लिए है, ये इसका फर्स्ट टाइम इसने मार्स पे अपना रोवर जुरोंग उतारा है। ठीक है, तो मार्स पे जाने के लिए सारे लोग जा रहे हैं मार्स पे, हम भी गए, इंडिया भी भेज रहा है अपना, बाकी कंट्रीज भेज रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स मैच टाइप में आ सकता है कि बताइए कौन सा कंट्री का कौन सा है, तो याद रखें ये जुरोंग किसका है, चाइना का है, मार्स मिशन है। ठीक है, बाकी तो चाइनीज के बारे में हम पढ़ के क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम उसकी कमियों को पढ़ेंगे, अचीवमेंट को तो पढ़ेंगे नहीं, बीआरआई को तो ग्लोरीफाई करेंगे नहीं, हम तो बीआरआई की जगह B3W को अभी डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, G7 ने जो बनाया है किसके अगेंस्ट, बीआरआई के अगेंस्ट, चाइना का कहना है बीआरआई और यूके का कहना है, यूएसए का कहना है B3W, बेटर वर्ल्ड बैक। आज का एडिटोरियल है क्वाड से रिलेटेड, एट द क्वाड फॉर्मिंग हैबिट्स ऑफ कोऑपरेशन, क्वाड के बारे में कहा जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है ये एक इंडियन न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ है तो थोड़ा सा हमारा व्यू होगा और हम कोऑपरेशन की ही बात कर सकते हैं, है ना। सच्चाई ये है कि क्वाड आज की देन नहीं है, 2007 में क्वाड की थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूँ आपको, क्वाड का कंसेप्ट आया कहाँ से, जब फर्स्ट सुनामी आया था याद कीजिए चेन्नई में, इंडिया बहुत वर्षों बाद सैकड़ों साल बाद शायद वो फेस किया था, तब ये हुआ कि जितने भी पैसिफिक और इंडियन ओशियन में कंट्रीज हैं ये ऐसा क्यों ना करें कि इस टाइप का जब भी आपदा आता है बड़ा बड़ा तो वो कोऑपरेट करें एक दूसरे से, है ना। शिंजो अबे साहब थे पीएम जापान के, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, तो क्वाड 2007 से फल रहा था लेकिन फाइनली इसका ऑफिशियल नाम आया 2017 में, शिंजो अबे साहब ही लेकर आए, जापान के पीएम जो कि अब नहीं है, अब ये भी पूछा जा सकता है, उन्होंने वॉलेंटरली रिटायर हुए हैं, वो एक दूसरे पर्सन को उन्होंने अपॉइंट किया है, फिलहाल अपना टॉपिक है क्वाड। 12 मार्च 2021 को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जॉय बिडेन ने एक मीटिंग बुलाया वर्चुअल, उस मीटिंग में अपने मोदी साहब भी थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान, ये चार कंट्री थे। कौन कौन क्वाड कौन कौन है जी, अच्छा नाम देखो क्वाड इसका क्यों है, अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो देखो यहां यूएसए है, यहां यूएसए है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है, यहां जापान है, यहां इंडिया है, अब इससे लाइन कर बना करके मिलाओ इनको तो एक क्या बनता है, एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। ठीक है, चार साइड का एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसलिए इसको क्वाड कहा जाता है। क्वाड कोई ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी में मीनिंग खोजने की जरूरत है, क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल कंट्री, कौन कौन, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। लेकिन इतना तो ठीक था 12 मार्च को मीटिंग की, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, चाइना का नाम नहीं लिया गया, इराक का, ईरान का नाम भले लिया गया, है ना, ईरान को यूएसए अब अपना नंबर वन एनिमी मान के चल रहा है, ईरान भी हॉट टॉपिक है, वो इसलिए क्योंकि ईरान ने जो अपना IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूएन का पार्ट है जी ये, इसका काम क्या है, इसका काम है अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इन सब को छोड़ के बाकी के जितने भी मिडल इनकम ग्रुप कंट्री हैं, इंडिया,
इराक, ईरान, इन सब के न्यूक्लियर पावर साइट पे जाना और ये देखना कि यूरेनियम का सही यूज हो रहा है कि नहीं। 4 दिन पहले ईरान ने मना कर दिया, कैमरे तोड़ दिए, उसने बोला टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, हम क्या करें, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, बहुत बवाल मचा हुआ है इस पे। वो न्यूज 4 दिन पहले की है, ईरान ने मना कर दिया है ये को दिखाने से, बोला कैमरा टूट गया, हम क्या करें, रिकॉर्डिंग ही नहीं है, चिप्स वगैरह खत्म हो गए, जाओ। क्वाड की बात करें, क्वाड पे डाउट इसलिए है क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले क्वाड की बजाय अमेरिकन राष्ट्रपति ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, इन तीनों ने मिलकर के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको, जिसे हम ऑकस कह सकते हैं, अभी इतना न्यूज में नहीं है, नया नाम, मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूं इसको, आपको जो अच्छा लगे पढ़ें इसे, मैं इसे ऑकस बुला रहा हूं। और ऑकस में सबसे हैरानी की बात यह है कि वो कंट्री है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी एक फॉरेन पॉलिसी है, अगर आप वहां का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपसे एक टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट को देने के लिए आपको एक बुकलेट दिया जाता है पढ़ने के लिए, उस बुकलेट में एक लाइन लिखा हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम ही वो कंट्री है जिसने वर्ल्ड से स्लेवरी हटाया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और मेंस में प्रमोट करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन बनाएं कि भाई शुरू किसने किया था, तुम ये तो कह रहे हो कि हमने स्लेवरी खत्म किया, मैं पूछता हूं शुरू किसने किया था, ऐसी तमाम चीजें उस बुकलेट में दी हुई है जो यूके की उन सारी रेसिस्ट पॉलिसी को ग्लोरीफाई करती है, और यूके नंबर 1 का रेसिस्ट कंट्री है, ये है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑकस में। इंडिया क्यों नहीं है इसमें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की आवाज क्यों नहीं सुनी गई, उनको क्यों नहीं ऑकस में शामिल कर दिया गया, आइकस बना देते वही से, तो हैरानी की बात है। एनीवे, क्वाड से रिलेटेड जो ये जानकारी है, 4 कंट्री है, 2017 में इसका ऑफिशियल नेमिंग हुआ था, 2021 12 मार्च को पहली वर्चुअल मीटिंग हुई थी, और हाल ही में 24 सितंबर को, आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर है, 6-7 दिन पहले 24 सितंबर को पर्सन टू पर्सन मीटिंग हुई थी, है ना, पर्सन टू पर्सन मीटिंग हुई थी, याद कीजिए यूएन का जनरल असेंबली का स्पीच चल रहा था जिसमें इंडिया 27वें नंबर पे आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये भी सोचने की बात है, भाषण देने की जब बारी आती है तो हम 27वें नंबर पे आते हैं, 4 दिन बाद हमारी बारी आती है, सबसे पहले कौन देता है भाषण, सबसे पहला लेक्चर यूएन में कौन देता है, सबसे पहला देता है ब्राजील, क्यों भाई, क्योंकि जिस टाइम पे कोई तैयार नहीं हुआ था, जब फर्स्ट हुआ था जनरल असेंबली तो कोई तैयार ही नहीं था, सारे शर्मिंदा थे, या तो ये सोच रहे थे क्या बोलें, किसी के पास कुछ था ही नहीं, ब्राजील ने कहा हम बोलेंगे, तब से आज तक ब्राजील पहले नंबर पे आता है, जब भी यूएन का असेंबली होता है सबसे पहले कौन बोलता है, ब्राजील, नंबर 2 पे यूएसए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ये अपने शिवराज सिंह चौहान साहब आए हैं, मध्य प्रदेश के सीएम, मध्य प्रदेश आजकल न्यूज में रहता है स्वच्छ भारत मिशन की के कारण, है ना, उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो पिछले 4 साल से स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में नंबर 1 पे है, टॉप पे है, और उसी से रिलेटेड आर्टिकल भी है, और ये कह भी सकते हैं चौहान साहब, आप कह सकते हैं क्योंकि इनका स्टेट सैनिटी के मामले में नंबर 1 पे है, ए स्टेट ए क्लीन स्वीप एंड द आर्ट ऑफ सैनिटेशन, इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसमें आप मेनली ये देख लें कि ODF जो स्टेट हैं, यूटीज हैं, ये कौन कौन से हैं, इसके लिए आप फर्दर गूगल को सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट कब किया था, ऑब्वियस ही बात है, गांधी जी को भूल सकते हैं क्या, अक्टूबर 2, 2014 को, है ना, तब यह स्टार्ट किया गया था सैनिटेशन प्रोग्राम। और जो एडिटोरियल में है, इधर है गैदरिंग स्टॉर्म, नो आउटसाइडर टैलेंट कैन हेल्प कांग्रेस, कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, मैं बार बार कहता हूं कभी भी पॉलिटिकल चीजों में इनका इतना इंटरेस्ट मत लो कि सिलेबस से बाहर हो जाओ, सिलेबस कभी अलाउ नहीं करता, यूपीएससी कभी भी आपसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने का उम्मीद नहीं कर सकती, सी एक्सपेक्ट अ न्यूट्रल पर्सन, जैसा सिचुएशन वैसा एक्शन। फेलिंग ऑन फूड, इसकी बात हम करते हैं, फूड सिक्योरिटी मिशन हो या नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हो, 2007 की बात हो या 2013 की बात हो, फूड की बात जरूर हम करेंगे। यहाँ पे टॉपिक है अपना चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन, ऑब्वियस ही बात है इंडिया नंबर 1 है चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन में वर्ल्ड में। अभी क्या है, पीएम ने पोषण का नया एडिशन लॉन्च किया है, तो ये न्यूज में है, और याद करो इसे क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये है, सबसे पहले कि पोषण माह कब मनाया जाता है, which month is celebrated as पोषण मंथ, दैट इज सितंबर, सितंबर को मनाया जाता है, पूरे सितंबर को पोषण माह चलता है। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का 5वां सर्वे आया था, उसमें 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में शॉकिंग रिपोर्ट दी गई है, वो ये है कि चाइल्डहुड स्टनिंग रोज इन 13 स्टेट,
तो आपसे अगर क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू NFHS 5, ऑप्शन पहला मिले कि मोर देन हाफ अ स्टेट हैज अ स्टनिंग इंक्रीज इन चिल्ड्रेन, दैट इज करेक्ट। 13 स्टेट हैं जी, 13 स्टेट हैं। हाउएवर दिस इज नॉट मोर देन हाफ, तो मोर देन हाफ अगर यूटी के साथ आता है, स्टेट और यूटी मिला करके, तब ये करेक्ट माना जाएगा। वेस्टिंग वाज अ सीरियस कंसर्न इन 12 स्टेट, है ना, बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चन बनेगा अगर इस पर बनेगा तो, फैक्चुअल भी बनेगा। मुझे लगता है एक बार आप देख लेंगे 12 और 13 स्टेट ऐसे हैं जहां पे वेस्टिंग, फूड वेस्टिंग बहुत ही ग्रेव कंसर्न है, और 13 स्टेट ऐसे हैं जहां पे चाइल्डहुड स्टंटिंग, जिसमें कि चाइल्ड का लेंथ छोटा रह जाता है, वेट हाइट सही रेशियो में नहीं होता, ये सारी चीजें कंसर्न की चीजें हैं। कितने करोड़ बच्चों को कवर किया गया है, 11.8 करोड़ चिल्ड्रेन को कवर किया गया है इसमें, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है पीएम पोषण अभियान से। पीएम पोषण अभियान 2026 तक के लिए कहा गया है, गवर्नमेंट ने कहा कि अभी से 5 साल बाद, क्या चल रहा है अभी 2021 में, 5 साल और जोड़ दो, क्या हो जाएगा 2026। गवर्नमेंट ने 1,30,794 करोड़ रुपए, जिसमें कि 31,733 करोड़ स्टेट से आएगा, तो इससे पता करें आप कि पोषण जो स्कीम है वो कैसा स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया, ना कि सेंटर का ओवरऑल स्कीम हुआ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सा होता है जिसमें सेंटर का भी हो और स्टेट का भी हो, जनरली 70-30 का रेशियो होता है नॉर्मल स्टेट के लिए और 80-20 का माउंटेनियस स्टेट के लिए, जो माउंटेन एरिया में बसे हुए हैं या नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए। बट इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, कितना है 31,000 ओनली आउट ऑफ 1 करोड़। जनरली 70-30 रखा जाता है, इसमें भी 70-30 के रेशियो को फॉलो किया गया है, रूल को फॉलो किया गया है, कम है तो है बट रूल को फॉलो किया गया है। नाम दिया है पीएम साहब ने इसका पोषण 2.0। मैंने आपको कहा है कि ये नया एडिशन है पोषण अभियान का, हॉट टॉपिक है, 3-4 चीजें इससे रिलेटेड याद कर लें। 13 स्टेट क्या जहां पे स्टंटिंग रिपोर्ट किया गया इंक्रीज्ड, 12 स्टेट क्या जहां वेस्टिंग, फूड वेस्टिंग एक ग्रेव कंसर्न है, 70-30 क्या 70-30 रेशियो जिसमें पोषण अभियान पे खर्च किया जाएगा, कौन सा एडिशन पोषण 2.0, कौन से महीने में मनाया जाता है सितंबर, कितने का बजट है टोटल 1,30,794 करोड़ का, डन। ये था अपना पोषण अभियान, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ए वाइड टीचिंग कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट और नॉट, यूनिवर्सिटी को कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट पढ़ाना चाहिए कि नहीं। एक्चुअली कभी कभी सवाल ये भी आता है कि हमारा जो हिस्ट्री लिखा गया, हिस्ट्री लिखने वाले 3-4 तरीके के लोग हैं, न्यू लिबरल हैं, कम्युनिस्ट भी हैं। हम जनरली, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, बिपिन चंद्रा को बहुत पढ़ा है हमने, आजकल स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं लोग, है ना, स्पेक्ट्रम एक न्यूट्रल है बट बिपिन चंद्रा का एक पर्टिकुलर व्यू है, जब उनकी बुक आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री आपको एक पर्टिकुलर व्यू से लिखा हुआ मिलेगा वो। तो इस टाइप के टेस्ट को जो एक पर्टिकुलर व्यू से लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं 1857 के क्रांति की ही बात कर लें, हमारे कुछ कंट्री मैन भी हैं सो कॉल्ड इंडियंस जो 1857 को क्रांति नहीं मानते, वो रेसिस्ट वाली क्रांति मानते हैं कि नहीं ये गोरों और कालों की लड़ाई थी, ये ऊपर और नीचे वालों की लड़ाई थी। वीर सावरकर ने कहा था कि ये क्रांति है, नाम ही उनका वीर है। खैर रियल में 1857 क्रांति तो है, हम यही लिखते और पढ़ते हैं और है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस में लाइक जेएनयू में इन चीजों को काफी मोनोपोलाइज करके पढ़ाया जाता है, काफी मॉडिफाई करके चीजों को पढ़ाया जाता है। तो उस पे ये टॉपिक आज का आया है कि क्या होना चाहिए, क्या एक ऐसा रूल होना चाहिए जिसमें कि टॉपिक पहले से डिसाइडेड हो कि कौन किस कहां क्या पढ़ाया जाना है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर आज भी कांग्रेस के रूल को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, प्लानिंग कमीशन तो हम खुद पढ़ रहे हैं और हमें पता है हकीकत ये है कि प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को कुछ नया नहीं दिया। अब नीति आयोग क्या नया दे रही है ये अलग चीज है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो वो इस पे रिलेटेड है। और इनफैक्ट देखिए बीडी सावरकर और एमएस गोलवालकर का जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी था, मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी आप किसी भी रिलीजन को यहां पर फोकस कभी ना करें, पॉलिटिक्स को फोकस कभी ना करें, चाहे आप कोई भी हो, लेकिन जो जस्ट पॉइंट्स हैं उसे आप माइंड में रखें, क्योंकि यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू बी जस्ट नॉट इन फेवर। ओके, सो गो थ्रू द आर्टिकल, ये इंटरव्यू फॉर्म में है योगेंद्र यादव जी का, नथिंग स्पेशल। मेकिंग पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल,
पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल से याद आया कि आज तक ये आरटीआई को नहीं मानते हैं। 2018 तक का मेरे पास रिपोर्ट है, मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आप एक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, आपको आरटीआई मानना पड़ेगा। बहुत सारी पार्टीज आज भी आरटीआई से बाहर है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जी। तो पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने की बात की जा रही है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, फंडिंग वगैरह की बात होती है ना, कि फंडिंग को डाला जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया जाए, किस पार्टी को कितना फंडिंग मिलता है, इसमें अलग ही बहुत सारी चीजें हुई है। जो पोल के टाइम पे आप याद कीजिए, जो बॉन्ड खरीदे जाते हैं, अब काफी ओपनली होता है, सारा कोई डिजिटल होता है, किसे कितना मिला है ये सबको पता होता है। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो इलेक्शन कमीशन हो गया, आर्टिकल 324, इसी की पूरी देन है ना। इलेक्शन कैसे होगा, कब होगा, यही डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ही, किस पार्टी को वैलिडेट करेगा, किसको क्या सिंबल देगा, कौन सी स्टेट पार्टी है, कौन सी नेशनल पार्टी है। जब पार्टी की बात आएगी तो नेशनल पार्टी के लिए क्या कंडीशन है, चार स्टेट छह सीट है ना, और भी कंडीशन है। स्टेट के लिए क्या है, चार स्टेट चार सीट। तो इस टाइप की चीजें आप याद रखें, एक बार गो थ्रू जरूर हो। इलेक्शन कमीशन का कितने मेंबर की बॉडी है, कब से तीन मेंबर की बॉडी हुई है, क्या जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं और बाकी के दो जो कमिश्नर हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे से पावर में कम या ज्यादा है, नहीं, तीनों का पावर बराबर है। इलेक्शन कमीशन मेजोरिटी पे काम करता है। आपने कभी सोचा तीन ही मेंबर क्यों है? तीन मेंबर इसलिए हैं कि जब कहा जाएगा कि बट जाओ तो देखो कैसे बटेंगे वो, या तो तीन के तीन एक तरफ, डन फैसला हो गया जी, या तो दो एक तरफ एक एक तरफ, तो भी फैसला हो गया, क्योंकि मेजोरिटी किधर है, दो में, तो एक की बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, यही दो तरीके हैं। फिर कहोगे आप एक दो, तो वही हो गया, टू इज वन। ठीक है, ये था अपना इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। अब क्रूड शॉक की बात की जा रही है, ये ऑब्वियस सी बात है, आप हम सबको पता है पेट्रोल और डीजल का भाव, और इसके लिए किसी गवर्नमेंट को ये कहना आज के टाइम से नहीं है। मार्केट फ्री 2006 में कर दिया गया था, इसका मार्केट तब से फ्री है, ये मोटा मोटी आप याद रखें कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस रेगुलेशन मार्केट करेगा, ना कि गवर्नमेंट करेगी, और ये आज की बात नहीं है, 15 साल पहले की बात है। मॉनसून के बारे में कहा गया है, तो मॉनसून सबसे पहले पता ही है आपको, कौन कौन सा मॉनसून इंडिया में क्या क्या इफेक्ट दिखाता है। एक क्वेश्चन मुझे याद आता है, इस पे अक्सर पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इंडिया के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है। तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पंजाब को करता है, उसमें ऑप्शन आपको पंजाब भी मिलेगा और इधर आंध्र प्रदेश भी मिलेगा नीचे। आप सोचेंगे कि यार आंध्रा होगा, अगर मैं इंडियन मैप की बात करूं तो वो इधर से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है ना, वो इस पार्ट को अफेक्टेड करता है। मॉनसून का डेट क्या है अपने लिए, तो यही इंपॉर्टेंट है ना, वो नेक्स्ट वीक ड्रॉ कर रहा है, अक्टूबर आ गया है। इस बार मॉनसून थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, जब बारिश होनी चाहिए नहीं हुई है। ये अपना टॉपिक नहीं है, अपना टॉपिक ये है कि मॉनसून इंडिया को हिट कब करता है। ला नीना, जब आप मॉनसून पढ़ें तो ला नीना को जरूर पढ़ें, है ना। ला नीना, देखो यहाँ एक कोड बता देता हूँ, ला नीना को क्या नाम लिखा हुआ है, ला नीना जब आता है ना तो ऑस्ट्रेलिया में फ्लड आता है। दूसरा कौन है इसका छोटा भाई, अल नीनो। अल नीनो कुछ नहीं लाता, इसमें तो ला है ही नहीं, ला किसमें है, ला नीना में है। ला नीना सब कुछ लेकर के आता है। ठीक है, ये अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि जब कभी मॉनसून पढ़ो तो दिमाग में ये आना चाहिए कि केरला में 1 जून को हिट करता है कि 5 जून को, महाराष्ट्र ये 15 जून को पहुंचता है कि 10 जून को। डेट आपको याद हो, दो चार स्टेट के जो बॉर्डर स्टेट हैं, कोस्टल स्टेट हैं, एज वेल एज ला नीना और अल नीनो आपको बहुत अच्छे से याद हो। इसके अलावा प्रेडिक्शन वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आता कि हाँ बताओ इस बार कब आया था मॉनसून, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, एवरेज पूछे जाते हैं, जैसे केरला को 1 जून को हिट करेगा। नेक्स्ट एक न्यूज है, चाइना कैन ज्वाइन क्वाड इनिशिएटिव। अभी हम पहले क्या बात कर रहे थे, क्वाड की, क्वाड पहले 4 कंट्री था, अब चाइना को इनवाइट किया गया है। तो भाई सवाल ये है कि एक तरफ तो कहते हो कि क्वाड बना है चाइना के लिए, चाइना को हम अपोज करेंगे, काउंटर करेंगे, अब तुम कह रहे हो चाइना ज्वाइन कर ले, तो इंडिया अगर चाइना को BRI को खुल के अपोज ना करे तो फिर तुम प्रेशर क्यों बना रहे हो, यहां तुमसे USA और ऑस्ट्रेलिया से। यह स्टेटमेंट आया है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का, जो बाइडेन का तो नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है चाइनीज प्रीमियर को कि आइए क्वाड में आपका स्वागत है, क्योंकि हम तो अलग से ऑकस बना ही रहे हैं। ये दोनों पॉइंट इस बार फोकस में रहेगा, क्वाड एंड ऑकस, गो इनटू डिटेल, सर्च कर लो जो भी है।
चलो इस पे एक चीज और क्लियर कर देते हैं आपका, ये ऑकस से पहले G7 कंट्रीज, पहले 8 हुआ करते थे ये, रसिया को इन लोगों ने साइड कर दिया, इनका एक इनिशिएटिव आया है जिसका नाम है B3W, और कहना इनका कि ये B3W BRI को काउंटर करने के लिए, B3W क्या है ये समझ लेते हैं, B तीन बार लिखना है आपको और W4 वर्ल्ड है संसार, इसका नाम है वेटर, BETER वाला वेटर, ठीक है, बहुत ही जो पहले दुनिया थी वो वापस आ जाए, बेटर वर्ल्ड बैंक, बेटर वैक वर्ल्ड, पहले वाली दुनिया वापस आ जाए जो कि बहुत अच्छी थी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक अच्छी दुनिया वापस आए, B3W सीधा याद रखें, बी तीन बार लिख के एक बार W, ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए लाया गया है, किसका इनिशिएटिव है, G7 का, ऑकस का कोई लेना देना नहीं है, कहीं B3W को ऑकस पे मत मार देना क्योंकि दोनों नए नए टर्म है, ठीक है, ऑकस कौन कौन, AU, A कौन, ऑस्ट्रेलिया, यूके तो नाम ही है यूनाइटेड किंगडम, US कौन, यूनाइटेड स्टेट, ऑब्वियस ही बात है तीन स्टेट का है ये ऑकस, अभी अभी इन्होंने अनाउंस किया है UN के असेंबली के टाइम ही, जब इनकी मीटिंग चल रही थी उससे कुछ पहले। अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब का कहना है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब का, कि चाइना को हैंडल करना एक बायलैटरल इशू है, बहुत सही बात है, जयशंकर साहब कहते हैं कि बायलैटरल इशू है, हम किसी तीसरे कंट्री, कहीं ना कहीं इनका इशारा जो कहा जा रहा है कि क्वाड के थ्रू कर देंगे, एपेक के थ्रू कर देंगे, एशियान के थ्रू कर देंगे, हम किसी और में शामिल हो जाए उसके थ्रू कर दें, जयशंकर साहब ने साफ कहा है कि हम और चाइना बैठ के कर लेंगे, तुम लोग आराम करो, एक ही तो इशू है LAC का, है ना, और जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात की जाएगी तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स ग्लोबल लेवल पर देखी जाएगी, बस ये नहीं देखा जाएगा कि हम चाइना के कितने अगेंस्ट हैं, चाइना हमारे कितने अगेंस्ट है। आदित्यनाथ साहब जो यूपी के CM हैं, उन्होंने एक डेट ट्रेडर है उसकी वाइफ को जॉब ऑफर किया है, मैं यहां इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इंटरेस्टेड केवल इस बात में हूं कि CM को ये राइट कहां से मिलता है, क्या CM के पास कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नहीं, CM एक वेलफेयर करने वाला आदमी है, स्टेट का वेलफेयरिज्म उसके पास है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ऐसे न्यूज में आप ज्यादा फोकस ना करें, किसी भी स्टेट में जब इलेक्शन होता है तो इस तरफ के न्यूज बहुत चलते हैं, तो आप बिल्कुल डिटेल में ना जाएं कि कितना लाख दे रहा है, कौन मर गया, हमारे काम का नहीं है, आप UPSC क्लियर करो, न्यूज वो पढ़ो जो काम का हो, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता हो, और वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हुआ हो ना हुआ हो वो अलग बात है, लेकिन जिसने लगातार पेपर दिए हैं, इंटरव्यू फेस किया है, तो वो जानता है कि सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वो पहले का ये जो हेडलाइन था फार्मर को, हमने पहले बताया आपको कि एग्रीकल्चर को स्टेट, एग्रीकल्चर जो स्टेट सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई इतनी सारी चीजें हो रही है, स्टेट का कहना है कि ये सेंटर इनक्रॉच कर रहे हैं हम पे, इनको नहीं ऐसा करना चाहिए। न्यू दिल्ली हिट्स आउट एट बीजिंग फॉर ब्लेम ऑन लद्दाख स्टैंड ऑफ, वो मैंने आपको बताया था अभी, चाइना का कहना है कि इंडिया फॉरवर्ड पॉलिसी अपना रही है, इंडिया का कहना है हमें तो पता ही नहीं है कि फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है, चाइना का कहना है आप LAC क्रॉस कर रहे हैं यही आपका फॉरवर्ड पॉलिसी है, LAC जो कि ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको याद हो जाना चाहिए आज के आज ही। आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिटिकल चीजें हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है कि कौन किससे मिल रहा है, कौन सी पार्टी क्या अनाउंस कर रही है, चाहे वो पार्टी रूलिंग पार्टी ही क्यों ना हो, जब तक कि वो पार्लियामेंट में बिल के थ्रू ना आ जाए। न्यू IAF के चीफ ने प्रोमिस किया है कि वो कैपेबिलिटीज बढ़ाएंगे, तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टेट PCS या UPSC तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती, लेकिन बाकी के एग्जाम्स में आ जाते हैं कि बताएं कि एयर स्टाफ के चीफ अभी कौन है, तो वो है RKS भदौरिया साहब, ठीक है, इतना जान लेना काफी है आपके लिए। हाँ, एक क्वेश्चन याद आता है हमें कि अभी जो राफेल लाया गया था, दो तीन स्टेट ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं अब तक, एक तो ये कि राफेल कौन से स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, और सबसे पहले उसको कौन से एयरपोर्ट पे उतारा गया था, तो सबसे पहले उसे उतारा गया था हरियाणा में एक पड़ता है जगह अंबाला, अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन है, ये एक स्टेट PCS का क्वेश्चन है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, मैं स्टेट PCS का नाम बता देता हूं आपको, BPSC का क्वेश्चन है ये कि राफेल को सबसे पहले कौन से एयरपोर्ट पे उतारा गया था, कहां वेलकम किया गया, तो वो है अंबाला। अब दूसरे PCS ने क्या क्वेश्चन पूछा है वो सुनिए आप, इसने झारखंड PCS से पूछा है कि कौन से स्क्वाड्रन में इसे शामिल किया गया था, तो ये था गोल्ड वाला, ठीक है, 15 नंबर का, इसे आप एक बार सर्च कर लें,
थोड़ा अगर इधर उधर हो तो। आगे आइए चलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है वैलिडिटी ऑफ व्हीकल। याद होगा आपको गवर्नमेंट एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर के आ रही है, उसके तहत ये कहा गया था कि 30 सितंबर को सारे एक्सपायर हो रहे हैं, अब उस डेट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, 31 अक्टूबर कर दिया गया है। पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है, हम सबको पता है पीसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करती है। कितने मेंबर होते हैं इसके पीसीआई के? पीसीआई के टोटल 28 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 3 लोकसभा के भी एमपी होते हैं। जी हाँ, जानकर आपको सरप्राइज लगेगा थोड़ा सा, बट जब आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हो तो ये ना पूछें कि पीसीआई क्या कर रही है, आप ये देखें कि पीसीआई है क्या, कब बना था ये, इसके मेंबर्स कितने हैं। हमारे काम की चीजें ये है, ना कि पीसीआई की बाकी चीजों में हम चले जाएं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। पीसीआई का फॉर्मेशन कब हुआ है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, 1966 में। काम क्या है इसका? प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करना। कोई अखबार उल्टा सीधा मोदी को गाली ना दे दे, है ना, अगर गाली दे दिया तो एक्शन कौन लेगा सबसे पहले? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट तो बाद में बनेगा, सबसे पहले पीसीआई एक्शन लेगी, बैन कर देगी द हिंदू को। इससे मेंबर कितने हैं? 28। अभी इसके कुछ स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका जो चीफ होता है, चेयरमैन या चेयरपर्सन, वो रिटायर्ड जज होता है, और वर्तमान में जो है वो है पहले के जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप सुन लें, नोट कर लें। पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना है? 1966 में। क्या काम है इसका? प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करना। मेंबर कितने होते हैं? 28, उसमें से 3 लोकसभा के एमपी होते हैं, बाकी की तो बात बाद में है। इसी से आप इसके ग्रेविटी का पता अंदाजा लगाइए, कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन है वो चंद्रमौली जी हैं, जो कि जस्टिस रह चुके हैं। इधर अपने जस्टिस एनवी रमन्ना जी दिख रहे हैं, काफी हैप्पी मूड में तो नहीं है। एससी कॉलेजियम आया एक टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, आप सबको याद होगा नजाक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट, मैं बीजेपी गवर्नमेंट इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कम ऐसी पॉलिसीज रही हैं, अमेंडमेंट बिल रहे हैं जो पास नहीं हो सका है। बीजेपी ये अमेंडमेंट लेकर आई थी जिसमें ये था कि कॉलेजियम, जो कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का बॉडी होता है, उसमें बाहर का कोई कुछ नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिसाइड करती है कि हम में से जज कौन होगा, हम में से कौन सीजीआई बनेगा। अभी याद कीजिए 33 जज हो गए हैं, ये भी हॉट टॉपिक है स्टेट पीसीएस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा है रमन्ना साहब अपने, तो ये तो चलो बहुत छोटी बात है, एक बार में याद हो जानी चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, यूपीएससी पूछ चुकी है इस टाइप के क्वेश्चन कि फॉलोइंग में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया, तो वो नजाक था। नजाक जैसे ही आया पार्लियामेंट में, ड्राफ्ट इशू हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फाड़ के फेंक दिया, बोला यू हैव नो अथॉरिटी, नजाक इज द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। ये चला गया सत्य वो केशवानंद वाले मामले में, जो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको कि पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डाला हुआ है। तो मैं कहूंगा कि कॉलेजियम जहां कहीं भी आपको दिखे, आप नजाक को जरूर याद रखें, 2014 में आया था, कॉलेजियम को खत्म करने लायक चीजें थी बट नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। आज का जो एससीएम कॉलेजियम की बात हो रही है, वो अपॉइंटमेंट होना है हाईकोर्ट के जज का, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा और बॉम्बे में। अच्छा, एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, वो ये कि महिला जज को लेकर के हाल ही में खूब बातें हुई हैं। अब तक कोई महिला जज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बनी है, लेकिन हाल ही में, मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि किस जज को फर्स्ट महिला जज उन्हें बनाया गया, और वो शायद फर्स्ट चीफ जस्टिस होंगी इंडिया की, क्योंकि सीनियरिटी चलता है तो वो आने वाले टाइम में सीनियर होंगी, उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएं। गुजरात हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है लाइफ टर्म ऑफ फॉर्मर एमपी को, फिर से आपको याद दिलाता हूं 226 हाई कोर्ट का पावर है ना, आपके फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने का। आर्टिकल 32 किसका पावर? आर्टिकल 32 याद कीजिए, अंबेडकर ने क्या कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का पावर आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। लेकिन यहां एक दोनों में अंतर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो रीट देता है, रीट WRIT,
सबसे ज्यादा बड़ा पॉकेट किसका है? हाई कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का पॉकेट उतना बड़ा नहीं है, कंट्राडिक्शन लग सकता है सोचने में आपको, डिटेल में जाके पढ़ें आप इसे। हाई कोर्ट के पास ज्यादा रिट्स एक तरीके से देने के अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कम है। आपको कंट्रास्टिंग लगेगा बट इंटरेस्टिंग है ये। और आर्टिकल 32 और 26 जरूर याद रखें। कोवैक्सीन डाटा गिवन टू WHO फॉर नॉट। सबसे पहले तो मैं एक चीज बताता हूं आपको, अगर क्वेश्चन आए कि किस कंट्री ने कोवैक्सीन को वैक्सीन मानने से इनकार कर दिया है, और कोई नहीं ऑकस वाला UK, द रेसिस्ट कंट्री यूनाइटेड किंगडम। इसने कहा है कि कोवैक्सीन पे हमें भरोसा नहीं जी, हम वहां के सिटीजन को नहीं आने देंगे, इंडिया के सिटीजन को नहीं आने देंगे। काफी हंगामा हुआ है, अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा ठीक है बात करते हैं देखते हैं। नीट काफी दिनों से हॉट टॉपिक बना हुआ है, पहले इसी को AIPMT और एम्स अलग अलग कहा जाता था, अब नीट बन गया है, एक ही इंस्टीट्यूशन सारे एग्जाम करवाती है, नीट हो या JEE हो। यहाँ पॉइंट है OCI कैंडिडेट के बारे में कि इनको क्या फैसिलिटी मिल सकती है, इनको कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इनको कहा गया है कि OC वाले, ओवरसीज सिटीजनशिप वाले, ये केवल जनरल कैटेगरी में आएंगे। अगर ये बाहर जाकर, ये SC है इंडिया के लेकिन ये OCI है, तो ये जनरल कैटेगरी में आएंगे। भाई आप दलित हैं इंडिया में और UAE में डॉलर कमा रहे हैं, आप कैसे SC हो गए, दलित हुए क्या आप, तो रिचेस्ट हो गए ना, तो सही चीज है ये। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे लोगों को जनरल कैटेगरी में रखो, ताकि दलित जो लोग हैं रियल में, जिनको कि सोसाइटी में बहुत सारी चीजें फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, उनको रियल में मिले। एक और टॉपिक है R1 मिशन, बहुत अच्छा टॉपिक है, याद आया होगा आपको अमृत। गवर्नमेंट ने 1,41,000 करोड़ का स्वच्छ भारत मिशन, बोले तो SBM स्वच्छ भारत मिशन R1 2.0 लॉन्च किया है। अमृत भी 2.0 लॉन्च हुआ है। अमृत क्या है जी? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन टेरिटरीज। अर्बन एरिया को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, उनके नाम के रिस्पेक्ट में अर्बन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना है रियल सेंस में। इन दोनों को फिर से लॉन्च किया गया है। दो चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। SBM स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कितने लाख करोड़ का? 1,41,000 करोड़ का। अमृत 2.0 सीधा दोगुना से थोड़ा सा ज्यादा कर देना, दोगुना भी याद रहेगा तो क्लिक कर लोगे, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे आप, 2,87,000 करोड़ का ये, ठीक है। हाल ही में PM ने लॉन्च किया है ये, यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट था। आगे बात करते हैं पैडी प्रोक्योरमेंट की, FCI वगैरह पता ही है आप सबको। आसाम एविक्शन हॉट टॉपिक रहा है कुछ दिनों से, पहले भी रहा है आसाम एविक्शन। ये एविक्शन किससे रिलेटेड है? वहां पे एक्चुअली वहां के जो CM है उनका कहना था, हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था कि होम मिनिस्ट्री ने मुझे इम्पावर किया है, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन आसामी है कौन नहीं है। और एक कट ऑफ डेट उन्होंने निकाला हुआ है कि इस डेट के पहले जो आया 1975 के आसपास वो आसामी है, उसके बाद जो आया आसामी नहीं है। कुछ हद तक वो सही भी है। बांग्लादेश से बहुत सारे माइग्रेंट हमारे कंट्री में आ रहे हैं, है ना, और ऐसा नहीं, हमारे रिसोर्सेज पे तो उसका फर्क पड़ रहा है। आप जगह जगह देखेंगे बांग्लादेशी कॉलोनी बना हुआ है, बाद में पार्टी चेंज होती है, वोट के चक्कर में उनको लीगलाइज कर दिया जाता है, लेकिन जो वो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सही काम कर रही है BJP, मैं पॉलिटिकली नहीं बता रहा, मैं हमेशा न्यूट्रल हूं, बट जो पॉलिसी सही होती है या आप कैसे उसको याद रखते हैं यहाँ पर डिपेंड, आपको मैं छोड़ता हूं। मेरे हिसाब से एक पॉलिसी होनी चाहिए जेन्युइनिटी की, कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। ये फर्स्ट पेज का ही न्यूज है। NGO का कहना है कि थोड़ा और टाइम दिया जाए FCRA के लिए। FCRA बोले तो क्या, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो फॉरेन से ऐड मिलता है इन्हें, उनके लिए 31 दिसंबर तक का टाइम मांग रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है ये लास्ट था इनका अक्टूबर में, कि करो नहीं तो बैन कर देंगे तुम्हें हम। अब हम आ गए इकोनॉमी सेक्शन में। इकोनॉमी सेक्शन में कोर सेक्टर की बात करते हैं। क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कोर सेक्टर, और ये मंथली होता है तो आपको परसेंटेज ग्रोथ नहीं पूछा जाता, लेकिन कोर सेक्टर कौन कौन है एक बार फटाफट मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। देखें कौन कौन सा कोर सेक्टर है। कोर सेक्टर में आएगी सीमेंट, कोर सेक्टर में आएगी कोल, कोर सेक्टर में है गैस, कोर सेक्टर में है इलेक्ट्रिसिटी, कोर सेक्टर में है स्टील, ये सारे कोर सेक्टर हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 8 कोर सेक्टर हैं, ठीक है। तो कोर सेक्टर में कौन कौन आता है ये आपको याद रखना है। कोर सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है ये भी आपको याद रखना है। कोर सेक्टर में ग्रोथ कितना हुआ है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये हर महीने चेंज होता है। तो मान लो
कि अभी 11 अक्टूबर को यूपीएससी का पेपर है और यूपीएससी ने पूछा सितंबर का, है ना, तो सितंबर में कुछ और है, अक्टूबर में कुछ और हो जाएगा, पेपर हो रहा है तो कुछ और हो गया, आप 10 दिन पहले तो पेपर नहीं बना होगा ना। तो ऐसी चीजों का आप याद ना करें। ज्यादातर बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ना क्या है इसमें से। अब कोर सेक्टर की बात चले, आप ये याद कर लें कि अच्छा अगस्त में 11.6% था, नहीं, नेवर नेवर गोज फॉर ग्रोथ। ओनली रिमेंबर कि कोर सेक्टर कौन कौन कंस्टिट्यूट करता है और कोर सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। तो कोर सेक्टर में 8 है टोटल और इलेक्ट्रिसिटी हाल फिलहाल तक डोमिनेट कर रहा है उसे। हाँ, फिजिकल डेफिसिट आप याद रख सकते हैं। आजकल ग्राफ बना करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है कि पिछले 10 साल में कितना रहा है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट ऑल टाइम हाई चला गया है, 31.1%। फाइनेंशियल ईयर का जो टारगेट है 31.5%, बहुत ज्यादा है ये, ऑल टाइम हाई। याद करो, फिजिकल डेफिसिट को रेगुलेट करने के लिए एक फकरा है ना। ये फकरा क्या कहता है कि भाई 2.3% पे ले आओ जल्दी से फिजिकल डेफिसिट को, अगर नहीं लाए तो इकोनॉमी कभी नहीं सुधरेगी। और कुछ खास है ही नहीं आज के न्यूज में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्री ट्रेड पैक्ट साइन किया है 2022 तक के लिए। ये बायलैटरल ट्रेड है, ये ट्रेड को चलते रहते हैं जब तक कुछ खास नहीं हो ऐसा कि बिल्कुल हंगामा मच जाए, तब तक तो ये चीजें चलती रहती हैं। अदानी ने साइन किया है $700 मिलियन का लंका पोर्ट। अब ये क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा, गोवा पीसीएस में, है ना। आपको लगेगा मैं कौन कौन सा पीसीएस की बात कर रहा हूं, जी हाँ, गोवा पीसीएस ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ के लाता है कि लंका पोर्ट में इंडियन कौन सी कंपनी है जिसने $700 मिलियन का या इस टाइप का साइन किया है, तो वो अदानी ग्रुप है। वैसे भी अदानी है इंडिया में, और है कौन, तो ये चीजें आपको याद रहेगी, ठीक है। गवर्नमेंट लीव्स स्मॉल सेविंग रेट फॉर क्वार्टर थर्ड अनचेंज। स्मॉल सेविंग, स्मॉल सेविंग में कितनी चीजें आती है, 7 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो फंड है ना, जिसमें कि गवर्नमेंट भी देती है, मैक्सिमम कितना आप जमा कर सकते हैं, 1.5 लाख तक एक साल में, एक साल तक 1.5 लाख आप दे सकते हैं उस फंड में जो बेटी के लिए है। आप जितना देते हैं गवर्नमेंट भी उससे ज्यादा देती है आपको, और आपकी बेटी जब ग्रेजुएट हो जाती है या 20 साल की हो जाती है, 18 साल की हो जाती है, तो उसको उसके पैसे दे दिए जाते हैं शादी करने के लिए। मारुति सीज, मारुति से याद आ रहा है कि अपने यहाँ एक फोर्ड हुआ करता था इंडिया में, उसने अनाउंस कर दिया है कि मैं इंडिया से जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये रहेगा इसमें, चर्चा में रहेगा, इन चीजों को भी देख लें आप। आज के लिए स्पोर्ट सेक्शन को छोड़ दें तो यही था। स्पोर्ट में कभी भी यूपीएससी स्पोर्ट पे फोकस नहीं करती, टिल डेट मैंने जितने पेपर दिए उसमें तो नहीं आए, है ना, तो स्पोर्ट सेक्शन को आप छोड़ ही दो, ज्यादा बेहतर है। स्टेट पीसीएस पूछती है तो स्टेट पीसीएस के भी फिक्स हैं, लाइक अभी ओलंपिक हुआ है और ये विंटर वाला 2022 में बीजिंग में होने का है ना, टोक्यो अभी हुआ था, टोक्यो ओलंपिक। इंडिया को जो गोल्ड मेडल मिले हैं, इंडिया को जो सिल्वर मिले हैं, जो ब्रॉन्ज मिले हैं, स्टेट पीसीएस का ये फेवरेट टॉपिक रहेगा, नो डाउट, ठीक है। कौन सा प्लेयर कौन सा गेम खेलता है, इन सबके फेवरेट रहेंगे, ये किसी में और सेक्शन में आपको ट्रिक से समझा दूंगा। एज वेल एज जो टेनिस का 3-4 फेमस है, विंबलडन हो गया, फ्रेंच हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, इनका भी ट्रिक है, हर साल का एक ट्रिक बन जाता है। जैसे एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, जस्ट एक डेमो टाइप का नोना, इससे आप याद रख सकते हैं कि इस बार का जो रिसेंट ऑस्ट्रेलियन था यू ओपन, वो नोना ले गया है। नोना कौन, नोवाक डोकोविच, और ना कौन, वो एक फीमेल प्लेयर है जिसके नाम में ना आता, NA। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि मेल में नो और फीमेल में ना, ऐसे ट्रिक बना करके एक सेक्शन में अलग से बना दूंगा जिसमें स्पोर्ट कवर कर दूंगा, पर्टिकुलरली उनके लिए जो स्टेट पीसीएस का पेपर दे रहे हैं। यूपीएससी हैज नथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स। चलिए आज का इतना ही था, धन्यवाद।